गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन फॉर द रिविजन ऑफ चैप्टर 7 इंटरनेशनल डेडलाइन। यस्टरडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, व्हाट इज इंटरनेशनल डेडलाइन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज दैट एंड मूव टू द फर्दर पार्ट। इंटरनेशनल डेडलाइन, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। इन 1884 अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिकन प्रोफेसर डेविडसन, the international date line was drawn opposite to the greenwich prime meridian। greenwich prime meridian kaise bana tha ye humne kal padhe the, ab uske exactly opposite mein 180 degrees par ideal, that is international date line was drawn। it is an international convention to change the day and time while crossing the line। jab bhi hum is line ko cross karte hain to ye pure world mein pure international convention hai wo, jisse ki डेट और टाइम चेंज होगा। आइडियल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एज यू कैन सी हियर, ये जो आइडियल है हमारी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे, इट इज कर्व्ड एंड टर्न एट मेनी प्लेसेस। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? इट इज बिकॉज व्हेन द आइडियल वुड पास थ्रू अ लैंड, एक कंट्री में दो जगह अगर हम देखेंगे तो अलग अलग साइड उसके अलग अलग टाइम होगा, अलग अलग डेज होंगे, और ये कन्फ्यूजन को चेंज करने के लिए, ये कन्फ्यूजन को मिटाने के कारण इसके हमने कोशिश की है कि ये पैसिफिक ओशन में से सिर्फ वाटर से पास हो, और जितने भी लैंड बीच में आइलैंड्स आए हैं उसको सबके जैसे वो आए हैं तो उसमें टर्न लिया गया है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस आइडियल हैज बीन टर्नड एट मैनी प्लेसेस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टू क्वेश्चन विच आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, टू एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज एक्चुअली। फर्स्ट इज ऑन पेज नंबर 58, इफ़ यू सी दिस वन, पेज नंबर 58 पे ये जो एक्टिविटी दी हुई है हमको, इसमें ये दिया हुआ है कि दो पर्सन हैं, दैट इज मीनल एंड सुनील, एंड दे आर मूविंग, मीनल इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। मीनल जो है इसका वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव हो रही है, और सुनील जो है वो ईस्ट से वेस्ट के लिए मूव हो रहा है। इसका हमको टेबल फिलअप करना है, एंड वेन यू सी दिस टेबल आई हैव फिल्ड हियर, when we move from west to east time minus होता है 1 degree के लिए, जो time change होता है that is about 4 minutes, और इसी प्रकार से 15 degree के लिए 1 hour, और यहाँ पर 30 degrees का difference दिया हुआ है हमारे longitudes में, as you can see here 30, 60, 90। तो इस प्रकार से ये जो 30 degrees के difference के लिए 2 hours का difference आएगा। so that is what we have shown in the table, 0 or 30 के लिए वहाँ पर दिया हुआ है, 0 degree पे थर्स्ट नून है, एंड एज मीनल मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट, टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, तो 30 degree पे जब पहुँचेगी तो 2 hours उसके माइनस जाएंगे टाइम के, दैट इज 8 hours, देन 6 hours, देन 2, 4, 2 एंड सो ऑन। जब वो 180 degree मेरिडियन पे पहुँचेगी, दैट इज द टाइम विल बी 24 hours, और उसके बाद में फिर से कम होते जाएगा, तो 22 यहाँ पर, देन 20, देन 18, देन 16, 14 एंड फाइनली 12 noon। बट यहाँ पे जो मैजिक हो रहा है वो देखेंगे आप, यहाँ पे वो 12 noon वेडनेसडे को वापस उसी पॉइंट पे पहुँची, थर्सडे को निकली थी, 12 noon को पहुँची, एंड सेम थिंग व्हेन सुनील इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, उसका टाइम ऐड होते जा रहा है, तो सेम वे यहाँ पर 12 के बाद 14 hours, 16 hours, 18 hours, एंड व्हेन ही विल रीच यहाँ द 180 degree मेरिडियन, सुनील के लिए यहाँ पर फिर से 24 hours होंगे, बट हियर द डे विल चेंज एंड इट विल बिकम फ्राइडे, क्योंकि इसका टाइम अहेड चल रहा, आगे बढ़ रहा है, और इस कारण से जब वो वापस आएगा, इफ़ यू सी हियर, ही विल रीच 0 degree ग्रीनविच मेरिडियन एट 12 hours ऑन फ्राइडे। अब कन्फ्यूजन देखो यहाँ पर क्या है, मीनल शी हैज स्टार्टेड एट 12 noon थर्सडे एंड शी इज़ रीचिंग हियर ऑन वेडनेसडे 12 hours। सेम जगह पर सुनील जब पहुँच रहा है तो वो बोल रहा है फ्राइडे 12 hours है, एक कह रहा है वेडनेसडे, दूसरा कहता है फ्राइडे, सो दिस इज़ द कन्फ्यूजन हाउ इट्स क्रिएटेड। और ये सब कन्फ्यूजन्स नहीं आने चाहिए, इसी के लिए आइडियल जो है उसको हमको फॉलो करना है। व्हेनेवर वी क्रॉस द आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट
और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये जो आइडियल को हम क्रॉस करेंगे ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट साइड में, तो जो रूल्स हैं हमको फॉलो करने हैं दैट शुड बी डन. सी यू. व्हेनेवर वी क्रॉस द आइडियल, आइडियल क्रॉस करते समय हमने क्या पढ़े कि जब हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, दैट इज व्हाट यू ऑल हैव स्टडीड. व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम द वेस्टर्न साइड टू ईस्टर्न साइड, जो मीनल है यहाँ पे, मीनल जो कर रही है, शी इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो टाइम जो है हमारा वो माइनस होता है. बट वंस यू क्रॉस द आइडियल, जैसे ही हमने आइडियल को क्रॉस किए, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, मार्क करनी है हमको. वेन एवर वी गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड वी क्रॉस द आइडियल, देन वन डे विल बी एडेड टू योर टाइम. वन डे प्लस होगा, वन डे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. यानी जब मीनल 180 डिग्री मेरिडियन पे पहुँचती है, वेडनेसडे होता है, तो उसके इसमें टाइम में एक दिन ऐड हो जाएगा एंड इट विल बिकम थर्सडे. और इसलिए जब वो वापस आएगी अपने 0 डिग्री मेरिडियन पे, तो इट विल बी थर्सडे 12 नून. सिमिलरली सुनील का अगर हम देखते हैं, सुनील इज मूविंग फ्रॉम ईस्टर्न साइड टू वेस्टर्न साइड, और जब ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो वन डे माइनस होता है, डिडक्ट होता है. तो ये वन डे जो माइनस होगा, वो वन डे माइनस होने के समय डिडक्शन जो होगा दैट विल बी फॉर वन डे, यानी कि वो फ्राइडे का उसका वन डे माइनस होके वापस से वो थर्सडे बन जाएगा. एंड अगेन व्हेन ही कम्स बैक टू 0 डिग्री मेरिडियन, इट विल बी 12 नून थर्सडे. इसलिए यहाँ जो ये मूवमेंट दिया है दोनों का, कि मीनल वेडनेसडे 12 नून को पहुँच रही और सुनील फ्राइडे 12 नून को पहुँच रहा है, दोनों का भी गलत है. एक्चुअली इट इज़ बोथ ऑफ देम रीच हियर ऑन थर्सडे 12 नून, सेम डे. दैट इज़ हाउ दिस एक्टिविटी इज टू बी डन. नेक्स्ट इज अबाउट द एयर टिकट. एयर टिकट में भी सेम चीज़ हुई है. यहाँ पर देखो 12:30 को वो निकल रहा है और 5:45 को US पहुँच रहा है. फ्रॉम जापान ही इज़ मूविंग टू सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो टू सैन फ्रांसिस्को इन US. और ये जाते समय 9.5 आवर्स की जो भी जर्नी है उसकी, इट वॉज गिवन हियर, इट इज़ 9 hours 15 minutes टोटल जर्नी का टाइम दिया हुआ है. ये जो जर्नी टाइम है वो माइनस हो रहा है, बिकॉज अगेन हियर ये टोक्यो से, टोक्यो जो है आइडियल के वेस्टर्न साइड में है और सैन फ्रांसिस्को ईस्टर्न साइड में आ रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. सी हियर, ये टोक्यो मार्क किया हुआ है, दिस पॉइंट इज टोक्यो, हियर वी हैव मार्क्ड टोक्यो. ये टोक्यो से जब सैन फ्रांसिस्को जा रहा है तो ये वेस्ट से ईस्ट मूव हो रहा है, और इसलिए इसका एक दिन जो है यहाँ पे डिडक्ट होगा. बिकॉज ही इज क्रॉसिंग द आइडियल. दस देखो यहाँ पे टोक्यो वेस्ट में है आइडियल के, सैन फ्रांसिस्को ईस्ट में है, और जब हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो वी नीड टू डिडक्ट अ डे, और इसलिए टाइम उसका माइनस हुआ है. दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.